वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइम पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत की मुस्लिम वुमेन्स जो बुर्का पहने हुए हैं वो मोदी जी के ऊपर क्या कह रही हैं, और काफी हैरान करने वाली बातें, क्योंकि मोदी जी की बातें सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कांप उठेंगे। टाइटल कुछ इस तरह का है, तो जल्दी से चलते हैं, वॉच करते हैं और देखते हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं तो क्या मुस्लिम लेडीज क्या कहती हैं, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। अब चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं। कि आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें, बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने बाइट दी तो कहा गया फर्जी, 200 रुपए 500 रुपए, ये मुसलमान भाई की मानसिकता है हमारे लिए। क्या हम अपना अपनी बात नहीं कर सकते सरकार को लेकर? हम फर्जी है, ये फर्जी कहना, ये वर्ड क्या था? ये हमें बोल रहा है 500 रुपए 200 रुपए, ये आए होंगे 2000 लेकर शायद। अच्छा। ये ले रहे हैं, इन मंडों को दंगा करना नहीं मिल रहा। हाँ। शिवराज सरकार और मोदी सरकार में दंगा नहीं हुआ अभी तक, गुंडा राज नहीं चल पा रहा। बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अगर चुनाव लड़ा तो विकास के नाम पे लड़ा, जनता की फिक्र के नाम पे लड़ा। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, बोल रहे राहुल गांधी आने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा। जब टिकेंगे जब जनता चाहेगी। अच्छा। और जनता ऐसा नहीं चाहेगी। अब फर्जी दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होता। अब हमें हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवाना। अच्छा। बहनों को जो मान सम्मान मिला वो मोदी सरकार में मिला। अच्छा। शिवराज सरकार में मिला। मोदी सरकार ने जो काम किया है वो आज तक कोई सरकार नहीं किया। कांग्रेस सरकार का तो नाम लेने में भी शर्म आती है। अच्छा। दूसरी बात, उत्तर विधायक जो आरिफ अकील जी जमे बैठे हैं, सेहत बना रहे हैं, वो घर वालों से भी लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं। अच्छा। क्या किया है उन्होंने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे उन्होंने आरिफ नगर आबाद किया। अच्छा। आरिफ नगर अपना नाम देकर उन्होंने अपनी रोटियां सेकी। अच्छा। अपने परिवार की और खुद की, जनता की कोई रोटी की परवाह नहीं करी। जनता की रोटी की परवाह करी शिवराज सरकार ने करी। अच्छा। मोदी सरकार ने करी। अच्छा। और उत्तर का विधायक आलोक शर्मा आएगा, कमल खिलाएगा, उत्तर विधानसभा का विकास हम जनता पाएगा। अच्छा, आपके बोलने का मतलब है कि आप लोगों के लिए खाली बस मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार ने ही फायदा दिलाया है? तो क्या फायदा हुआ है आप लोगों को बताइए? बहनों को सबसे बड़ी बात, बहनों को जो मान सम्मान मिला वो मोदी सरकार में मिला। अच्छा। शिवराज सरकार में मिला। बहनों को 1000 रुपए महीने की राशि किस सरकार में मिली? अच्छा। आज शिवराज सरकार में मिल रही है। अच्छा। लाडली लक्ष्मी योजना, स्कॉलरशिप, निकाह योजना, क्या हिंदुओं के लिए बनाई है? अच्छा। मुसलमानों के लिए नहीं बनाई, मुसलमानों के लिए भी बनी है। अच्छा। क्या फर्क करा? हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने अगर चुनाव लड़ा तो विकास के नाम पे लड़ा, जनता की फिक्र के नाम पे लड़ा। और आज भी कमल खिले, शिवराज जी आएंगे, मोदी जी खिलाएंगे, हम सब खेलेंगे, आप सब खेलेंगे। लेकिन लगातार मोदी सरकार पे और शिवराज सिंह सरकार पे आरोप लगता है कि ये प्रदेश में और देश में खाली बस हिंदू मुसलमान करते हैं। ये आरोप ही है, ये एक आरोप ही है। अब जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो आरोप ही लगाएंगे ना। हम तो मुस्लिम हैं, हम तो बोल रहे हैं खड़े होके, हमारे लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई उन्होंने, आज तक बताइए मुफ्त में इलाज हो रहा है 5 लाख रुपए का, कौन करवा पा रहा था? आज वो घर में इलाज के पैसे नहीं होते उसके पेशेंट से, उसके बीमार व्यक्ति से पूछिए 5 लाख का इलाज कौन सी सरकार ने कराया है। अच्छा। हम मुसलमान आप बेवकूफ नहीं बने। इलाज करवाया है मैंने। अच्छा। वो सीकेडी की पेशेंट थी, मैंने खुद इलाज करवाया है। अच्छा। जी हाँ, चिराइयों में उनका इलाज हुआ है, सीकेडी की पेशेंट का, मेरी खुद की नंद का। अच्छा। जी हाँ, फायदा मिल रहा है आप लोग? जी बहुत, अनेक अनेक योजनाएं। आज ये बताइए रौनक, आज ये कांग्रेसी जो भी बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ तो इनके घर की बहनों के अकाउंटों में चेक कर लिए, 1250 जो भी आ रहे हैं महीना, सबसे ज्यादा इन लोगों के अकाउंट में आ रहा है, कांग्रेसी भी ले रहे हैं। लेकिन लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर बोलेंगे हम लाभ नहीं ले रहे, लाभ नहीं ले रहा। इनकी माँ बहनें सब लाइनों में लगी रहती हैं, जो आज यहाँ खड़े होकर
हर चीज का लाभ लेते हैं, गेहूं ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ में, खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ में बहुत ही पक्षपात किया जा रहा है। सबसे गंदी मानसिकता अभी देखने को मिली। हाँ। जब हमने बाइट दी तो कहा गया फर्जी। अच्छा। 200 रुपए 500 रुपए, ये मुसलमान भाई की मानसिकता है हमारे लिए क्या? हम अपना अपनी बात नहीं कर सकते सरकार को लेकर? हम फर्जी है जो ये फर्जी कहना, ये वर्ड क्या था? ये हमें बोल रहा है 500 रुपए 200 रुपए, ये आए होंगे 2000 लेकर शायद। अच्छा। ये ले रहे हैं, इन मुंडों को दंगा करना नहीं मिल रहा। हाँ। शिवराज सरकार और मोदी सरकार में दंगा नहीं हुआ अभी तक, गुंडा राज नहीं चल पा रहा। हाँ। इसलिए गोज के ऊपर नमक डालते ना, ऐसे तिलमिला रहे हैं। कौन तिलमिला रहा है? कांग्रेसी कमलनाथ बिल्कुल कड़क बन गए, कड़क बन गए। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना तो कमल खिलेगा, खिलेगा। हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। एक और कमलनाथ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कमलनाथ नहीं है, वो कलंकनाथ है, कलंकनाथ है। कमलनाथ नहीं है, वो कलंकनाथ है। कैसे कैसे क्या कर पाए वो? क्या कर पाए वो? यहाँ पे सरकार आई तो गरीब लड़कियों को निकाह के पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। ये कितना बड़ा काम किया उन्होंने। अच्छा। और क्या करेंगे? अच्छा। और क्या करेंगे? 5-6 महीने में उन्होंने कहा जितना बटोर सकता हूँ बटोर लूं। अच्छा। जो सरकार हमारा विकास करेगी हम तो वोट उसी को देंगे। अब विकास के आधार पे चुनाव होगा, अब चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं। ये आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें? बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना तो कमल खिलेगा, खिलेगा। हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। जाति पात और धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। वोट देने का मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? जी वोट देने का मुद्दा क्या होगा? वोट देने का मुद्दा विकास, विकास, सबका विकास, विकास। मोदी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था आप लोगों के लिए, 3 तलाक। 3 तलाक जब बैन हुआ था उसके बाद से आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? 3 तलाक से ये फायदा, आसानी से तलाक नहीं हो पा रही। अच्छा। लोग डर रहे हैं। अच्छा। एक गुनाह होने से बच रहा है। हाँ। जो हम पे गुनाह माना जाता था अब वो गुनाह नहीं हो रहा। अच्छा। ये इतना बड़ा सवाब मोदी जी को ही तो मिल रहा है। अच्छा। और किसे मिल रहा है? सबसे ज्यादा गुनाह माना जाता है हमारे में तलाक देना। कहते हैं कि अर्श का पाया हिल जाता है जिस टाइम तलाक दी जाती है, तो इस डर से ही तलाक होना बच तो रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा। मुसलमानों को समझना चाहिए लेकिन कांग्रेस ही नहीं समझ सकते। तो बोलते हैं मुसलमानों की सिर्फ हम ही हैं? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आरिफ अकील का यहाँ वजूद ही क्या है? अच्छा। क्या उनके हक में है कि वो हमेशा यहाँ पे राजनीति करेंगे? अच्छा। वो भोपाल के हैं जो यहाँ राजनीति करेंगे, जो उनकी दर पीढ़ी यहाँ राजनीति करेगी। अच्छा। हाँ। अब देश के अंदर एक और मुद्दा उठ रहा है कि देश के अंदर UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कानून भी एक होना चाहिए। आप लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अच्छा। शिवराज जी के साथ हैं। विधायक रद्दी माल को हटाना चाहते हैं। अच्छा। चमकता हुआ तारा आलोक शर्मा लाना चाहते हैं। ये बताइए आप मुझे, आप लोग कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन बन चुका है आपके मोदी के खिलाफ और आपके शिवराज सिंह के खिलाफ, आपके कमल के खिलाफ और आपके बीजेपी के खिलाफ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? जो ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन बना हुआ है ये क्या कर पाएगी? भोपाल में रैली फेल हो गई है। अच्छा। कुछ राहुल गांधी भी आ रहे हैं, बोल रहे राहुल गांधी आने दीजिए, आने दीजिए और जाने दीजिए। अच्छा। जब टिकेंगे जब जनता चाहेगी। अच्छा। और जनता ऐसा नहीं चाहेगी। अब फर्जी दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होता। अच्छा। अब हमें हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवाना। अच्छा। अब दंगे नहीं हो रहे हैं तो अभी इनका नया पैतरा है ये। अब दंगे नहीं होंगे, अब हम सब एक हैं। जातिवाद के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, खाली देश के अंदर होगा। जी बिल्कुल। औरतें कहती हैं मोदी घर घर मोदी। अच्छा। औरतें कहती हैं, आदमी कहते हैं कम
उमर कमर पानी आता है, उनके घरों में नाले भर जाते हैं, उत्तर विधानसभा में हीटर के वायर निकालती हैं, रात रात भर यूं बैठे रहती हैं, मासूम बच्चों के साथ, मेरा गला लग रहा है, मासूम बच्चों के साथ वो बुलाती हैं, हमसे कहती हैं, एक मुसलमान के नाते वोट देना पड़ता है, लेकिन अब नहीं होगा। अब नालों का पानी आलोक शर्मा ने निकाला है, आलोक शर्मा ही आएगा। आपके प्रदेश में मामा और देश में योग मोदी जी, बिल्कुल, और उत्तर में आलोक शर्मा जी। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन कैसे? प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में और उत्तर विधानसभा में आलोक शर्मा। अब डबल इंजन है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया, 9.5 सालों में जो मोदी सरकार रही है वो मध्य प्रदेश के लिए, आप लोगों के लिए कैसा काम करी है? क्या आप लोगों का ध्यान दिया है कि नहीं दिया उन्होंने? बिल्कुल ध्यान दिया है, सबके एक सामान्य रूप से किया उन्होंने। अच्छा जी, जैसे किसान में मुसलमान भी है, जैन भी है, सबके कर्जे माफ हुए हैं, सबको योजनाओं का लाभ मिला, आयुष्मान योजना जो है सबके लिए, सबके लिए, सबको लाभ। पक्षपात हुआ क्या? कोई बात, आवाज योजना, कई गाँव में मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं, उनके भी मकान बनाए गए हैं, कोई गरीब हिंदू है उसके भी मकान बनाए, जैन के मकान बनाए, सबके मकान बनाए, कोई कोई वो नहीं है, कोई इसमें दोहरा नहीं कि अपन शक करें कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी है, जब से हिंदू मुसलमान के बीच में जो कांग्रेस ने 70 सालों से जो एक दीवार खड़ी रखी थी वो टूट चुकी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर विकास जो करेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए अल्पसंख्यक समाज मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का इस बात को मान चुका है। अब आगामी जितने भी चुनाव होंगे, चाहे मध्य प्रदेश का विधानसभा हो या देश का 2024 में लोकसभा हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और देश में मोदी जी को अल्पसंख्यक समाज 6 करोड़ की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वोट करने जा रहा है, करने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, कहीं भेदभाव नहीं हुआ, कोई योजना में भेदभाव नहीं हुआ है। आप बताइए, लाडली लक्ष्मी योजना अगर हिंदू घर परिवार में दी गई है तो मुस्लिम परिवार में भी दी गई है। 1 किलो गेहूं अगर हिंदू परिवार को दिया गया है तो मुस्लिम परिवार को भी दिया गया है। अगर आयुष्मान से इलाज किसी शर्मा जी का हुआ है तो खान साहब का भी इलाज हुआ है। कहीं भेदभाव नहीं है तो फिर हम भाजपा को वोट क्यों ना दे? अच्छा, कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं? बिल्कुल कोई भेदभाव। लगातार राहुल गांधी आरोप लगाते हैं अमेरिका से बैठ गई भारत के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बस। हाँ। वो कांग्रेस है, कांग्रेस की पद्धति रही है आरोप लगाना और दंगे कराना। अच्छा। जब से देश में मोदी आए और प्रदेश में शिवराज जी आए, जब से दंगे होना बंद हो गए। अच्छा। आप कांग्रेस का इतिहास उठा कर देखिए, 48,000 दंगे कांग्रेस शासन में हुए इस देश के अंदर। अच्छा। लाखों लोग मार दिए गए। हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप देखिए पूरे देश में और प्रदेश में कब दंगे हुए। अच्छा। मुसलमान भी सर उठा के जी रहा है, हिंदू भी सर उठा के जी रहा है, तो कहाँ भेदभाव हुआ? जब भेदभाव नहीं हुआ तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भाजपा को वोट दें। भाजपा को वोट दें जी, क्या बोलना चाहिए? बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा। हमारे घर के लोगों से, गरीब तबके के लोगों से प्लास पाना हटा दिया। उनको समझा घर में राशन आ रहा है। हमारे इस्लाम में कहा जाता है जिसका नमक खाओ उसकी नमक हरामी बंद करो। अच्छा। नमक हलाली करो। हलाली और बीजेपी की नमक हलाली करेगा मुसलमान। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की नमक हलाली करेगा मुसलमान इस बार। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आरिफ अकील तो अब हमें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। उत्तर विधानसभा में हमें आरिफ अकील नहीं चाहिए कि हमें सिर्फ लक्ष्मी टॉकीज पे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और वो अपने घर में बैठ जाएं। लोग जाते हैं उनके पास काम लेकर, मिलते ही नहीं है, वो होते ही नहीं है, काम ही नहीं होते उनके काम। सबसे गंदी कि फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और भारत की जो मुस्लिम लेडीज हैं वो आज भारत में निकल कर आई हैं बाहर और मोदी जी के हक में बात कर रही हैं। हमें तो ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि भाई मोदी की जो गवर्नमेंट है वो तो मुस्लिम के अगेंस्ट है और वो एंटी मुस्लिम जो है ना वो पार्टी है और वो काफ़ी दंगे फसाद कराती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लेडीज़ जो हैं अप्रिशिएट कर रही हैं मोदी जी को, लाडली योजना जो है, स्कॉलरशिप्स, निकाह की जो योजना है, हर जो है वो हर तरह से जो है वो सबको बराबर रख के, क्योंकि जाहिर सी बात है निकाह की योजना मुस्लिम्स में ही होती है, उसमें हेल्प की जाती है जो भी है, लेकिन वो चीज़ मोदी जी ने की है इनके लिए, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। वहीं पर ही अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि राशन की बात की जाए, खाने की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, हज की बात की जाए,
हर लिहाज से सबको इक्वल रखा हुआ है और सबको वो सब चीजें दी जा रही हैं। तो ये इससे साबित हो रहा है कि मोदी जी गवर्नमेंट जो है ना वो अब कामयाब गवर्नमेंट है और वो आने वाले इलेक्शन को भी वो जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपनी लोगों को बराबर उन्होंने रखा हुआ है, तो उस लिहाज से पब्लिक का वोट जो है वो इस बार बीजेपी गवर्नमेंट को ही जाएगा। और मुस्लिम, हालांकि ऐसा हिस्ट्री में शायद कभी नहीं मैंने देखा होगा भारत की कि मुस्लिम इस वक्त जो है वो हिंदू जो पीएम है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू पार्टी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, कोई छोटी बात नहीं, कोई मामूली सी बात नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे ये तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, लेकिन इन लेडीज से बातें सुनकर ना तो ये तो एक प्राउड इनकी बातों में फील हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हैं कि आज भारत जो है वो काफी ज्यादा आगे है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड